नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत कुमार आर्या और लॉजिकल स्पॉट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी, अगर आपको याद होगा, कि अगली वीडियो में हम एक जारी यूजर इंटरफेस बनाएंगे जिसमें हम एक साइंस फिक्शन पिक्चर जैसा जो मूवी होती है उसका हम जैसे यूज़र इंटरफेस होता है, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, होलोग्राम जैसा तो नहीं, ठीक है, केवल दिखने में, तो वो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो उसको मैंने जो है दो पार्टों में डिवाइड कर लिया है अभी से, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड, ठीक है। फ्रंट एंड मतलब क्या हुआ, आगे से आपको दिखेगा कैसे प्रोग्राम, मतलब आपको स्क्रीन पे आपको क्या दिखेगा। बैक एंड वो होगा कि पीछे से आपका प्रोग्राम जो है कैसे काम करेगा। तो बैक एंड वाले मैं अगली किसी दूसरी वीडियो में बनाऊंगा, और आज की इस वीडियो में हम फ्रंट एंड देखेंगे कि फ्रंट एंड आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे आप इसे बना सकते हो। तो गाइस, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर को मैंने अपना ब्राउज़र खोल रखा है, ठीक है, और गूगल इमेजेस में यहाँ पर सर्च कर रखा है, देख सकते हो फ्यूचरिस्टिक यूआई एलिमेंट्स, ठीक है। आपको भी सेम ऐसे ही सर्च करना है, आप इससे मिलता जुलता कुछ भी सर्च कर सकते हो, जैसे जार्विस यूआई एलिमेंट्स या साईफाई यूआई एलिमेंट्स, ऐसा करके आपको सर्च करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे है, आपको बस सिंपल आपको देखना है, पहले आपसे समझ जाओगे आपको क्या करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस दिख रही होगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जैसे आपको पहली वाली इमेज आप देखिए, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आप देख रहे हो कि इसमें एक सर्कल भी है और ऐसे ये बार्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। ऐसे आपको बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आप ब्लैंक वाले भी ढूंढ सकते हो जो पहले से ही ब्लैंक हो, जैसे जैसे एक ये है, ठीक है, जैसे ये ब्लैंक है, ऐसा तो नहीं, आपको पूरा एक एलिमेंट ही मिलेगा जिसमें जो सब कुछ पूरा ब्लैंक होगा, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। आप जारिस यूआई ऐसे करके भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये है, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हैं, आपको जो अच्छा लगता है, आपको आपको जो अच्छा लगता है, ठीक है, उसे आप डाउनलोड कीजिए, ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद आप क्रॉप कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एक इमेज दिखाता हूँ आपको, जैसे ये है। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपको सिंपल ये नहीं चाहिए तो आप यहाँ को PNG लगा के आप उसको सर्च कर लीजिए, ताकि आपको एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ आपको मिल जाए वो, ठीक है। या फिर आप गूगल में सर्च करके, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जैसे फ्री PNG है, ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे फ्री PNG है, PNG ट्री है, वहाँ आप जाकर जो है ऐसे AI वाले जो होते हैं ना, .AI वाले, मतलब जिनको आप एडोबी इलस्ट्रेटर में आप उसको एडिट कर सकते हो, उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री वाले, और उनको एडिट करके अच्छे से आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल मेरा इसमें डायरेक्ट आपको मैं फ्रंट एंड बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं डिज़ाइन करना पूरा अच्छे से, वो तो सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा ले सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन वाली बात करूँ जो बिल्कुल फ्री है, तो graphicdesigner.io, ऐसे मैं बहुत सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर आप थोड़ी बहुत एडिट कर सकते हो, ठीक है। .AI फाइल्स को कुछ सैम्पल्स आपको दे दूंगा जिन्हें आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, अभी आपको दिखाऊंगा कैसे आपको चाहिए होंगे, ठीक है। मैंने डाउनलोड कर रखे हैं पहले से, कुछ बनाए हैं मैंने खुद, डिज़ाइन किए हैं, और आपको ऐसे कुछ जिफ्स चाहिए होंगे, ठीक है, ये आप देख रहे हो, ठीक है। जैसे आपको आप देख सकते हो, मैंने एक ही दिखा रही है आपको, ये एक इमेज है, ठीक है। आप देख रहे होगे कि कैसे जो है, मतलब ये इन्फानाइट लूप जैसा है, आपको लगेगा बस चलते ही रह रहा है, ठीक है। आपको ऐसे ही करके आपको जो अच्छा लगता है, आपको इतने सारे हज़ारों यहाँ पे जो है ऐसी एलिमेंट्स पड़े हैं, आपको जो अच्छा लगता है आपको वो डाउनलोड करना है, ठीक है। बस आप ज़रा कॉपीराइट वाला मामला है तो थोड़ी आप ध्यान से देखिएगा, उसे आपको पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो आपको जो अच्छे लगते हैं आप वो वाले एलिमेंट्स हैं, आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। आपको जो अच्छे लगते हैं आप उसको थोड़ी बदल के सर्च कर लीजिए, जैसे फ्यूचरिस्टिक GIF, और फिर यहाँ आप ब्लू सर्च कर लीजिए, या फिर रिजोल्यूशन पे सेलेक्ट कर लीजिए, 3D एनिमेशन, साइबर पंक, ऐसे करके आपको बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक गेम, सर्कल इफेक्ट, ठीक है, आपको सर्कल सा दिखेगा, रेट्रो साइफाई, आपको जो भी आपको चाहिए आपको यहाँ से सर्च करके आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर तीसरी बात आती है आपको QD डिज़ाइनर, आपको जो डाउनलोड करना है सबसे मेन जो सॉफ्टवेयर है आपका, जो ये आप देख सकते हो सामने स्क्रीन पर, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर तो भाई साहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको ये डाउनलोड कर ही लेना है, ठीक है। आपको मैक हो या विंडोज़ यूज़र हो, जो भी यूज़र हो आप, आपको ये वेबसाइट में आपको लिंक में दे दूंगा, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको लिंक में दे दूंगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको लिंक। और ये सॉफ्टवेयर आपको विंडोज़ देखिए 31 MB का है, इतना तो आप डाउनलोड कर ही सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा 500 MB का तो नहीं है, ठीक है। तो बहुत छोटा जो है ये सॉफ्टवेयर है, आपको डाउनलोड कर लेना है QT डिज़ाइनर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा दिखेगा, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो सब कुछ मेरे पास अभी है, मैं फिलहाल से यहाँ से एग्ज़िट कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप जैसे एग्ज़िट हो जाएगा, ठीक है, आपको ये फ़ोल्डर दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये है फोल्डर जहाँ मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स आपको पहले से डाउनलोड करके दिखा रखे हैं, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ एक एलिमेंट, जैसे ये है, देखिए एक है बार एलिमेंट, ठीक है,
थोड़ी ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही है। ठीक है ओके, ये देखिए ये बिल्कुल ऐसा है, केवल सिंपल सा इतना है। और भी बाद में आपको क्या करना है, इनको जोड़ते जाना है उसमें। ठीक है जैसे एक ये हो गया, ऐसा ही बहुत सारा है मेरे पास। ठीक है जैसे ये एक ये है आप देख सकते हो। ठीक है ये देखिए ऐसा कुछ आपको चाहिए होगा। ठीक है आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है और ऐसा ही आपको ये है। ठीक है तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आपको ले लेने हैं। ठीक है डाउनलोड कर लेने हैं ऐसे। ठीक है जारविस यू आई नाम के फोल्डर के अंदर मैंने बनाया है, इसे मिनिमाइज़ कर लेते हैं। और अपना क्यूटी डिज़ाइनर वाला जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है जैसे ये है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। इंस्टॉल तो आप सिंपली कर सकते हो। ठीक है इतने तो आप बिगिनर इतने भी नहीं होंगे कि आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना ना आता हो। ठीक है इंस्टॉल कर लेना उसे डाउनलोड करके, तो मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, आप इसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है तो ये हमारे जैसे आपको आप ले सकते हो क्यूटी डिज़ाइनर जो है ओपन हो चुका है। अब क्या करना है आपको, इसे आप मेन विंडो, मैं तो कहूँगा आप इसको विडकेट कर लीजिए। ठीक है विडकेट समझ लो, आपको आप इसको विडकेट कर लीजिए। इसको फिर इसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। ठीक है क्रिएट पे क्लिक कर दोगे आप तो आपको यहाँ पर दिखेगा ऐसे सिंपल सा एक फॉर्म दिखेगा आपको। ठीक है तो आपको ये फॉर्म ऐसे कर लेना है, आपको स्ट्रेच कर लेना है थोड़ा सा। अब सबसे पहला काम जो भाई इसमें होता है वो होता है कि आप जो है इसमें एक आप एक बैकग्राउंड आप सेट करो, आपको बैकग्राउंड कैसा दिखेगा। ठीक है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से एक लेबल ले लीजिए। ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ को ये देखिए डिस्प्ले विड का इसमें आप देख सकते हो यहाँ को लेबल है। इस लेबल को आप यहाँ पे ऐसे यहाँ पर रख लीजिए। ठीक है टेक्स्ट लेबल लिए, ठीक है इसमें डबल क्लिक कीजिए, इसको मिटा लीजिए। ठीक है ऐसे डिलीट हो गया, इसमें कोई भी टेक्स्ट नहीं है। ठीक है और उसके बाद इसको राइट क्लिक कीजिए इस लेवल पे और चेंज स्टाइल शीट पर आ जाइए। ठीक है चेंज स्टाइल शीट में आ गए, अब आपको करना है इस पर यहाँ पर को करना है ऐड रिसोर्स और बैकग्राउंड इमेज, ये आ गया। फिर इसका आपको यहाँ पर पहले वाले पे क्लिक करना है। ठीक है और एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ये ओपन रिसोर्स फाइल ऐसा आगे आपको एक दिखेगा, तो ये रिसोर्स फाइल बन गई है। ठीक है इस पर क्लिक करना है आपको पहले, तो आपको एक रिसोर्स फाइल बनानी है। तो कहाँ बनानी है मैं आपको बता देता हूँ, डेस्कटॉप में जहाँ पर आप फोल्डर बना रहे हो। ठीक है तो मैंने जारविस यूआई नाम का फोल्डर बनाया है। ठीक है यहाँ पर मैं जो है एक कुछ फाइल बना लेता हूँ, जैसे मैं आपको लिख देता हूँ रिसोर्स। ठीक है REC, उसको ओपन कर लेते हैं। ओके सॉरी अभी ओपन करने के लिए कह रहा था, मैंने ओपन वाले पर क्लिक कर दिया। ठीक है मुझे ऐसे बनानी पड़ेगी। ठीक है न्यू रिसोर्स फाइल आपको लिखना पड़ेगा REC और एंटर सेव करना पड़ेगा। और उसके ऊपर मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आके इमेज जो है मेरे को इसमें डालनी पड़ेगी। ठीक है तो अभी इसमें फिलहाल हम कुछ भी कर देते हैं, REC कर लेते हैं और फिर सॉरी सॉरी ये देखिए ये आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ फाइल्स आपको सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है ये देखिए जैसे एक फाइल यहाँ पर ऐड हो गई है, अब आपको क्या करना है आपको और फाइलें भी ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे अभी हम एक नॉर्मल सी एक बैकग्राउंड फोटो है आपको, जैसे ये वाली है BG3 वाली, इसको कर लेते हैं ओपन। तो देखिए दो फोटो हमारी यहाँ पर आ चुकी है, तो इस वाली को ओके कर लेते हैं हम। अब देखिए आपको अपना आप ही एक CSS बन जाएगी। ठीक है इसकी आप देख सकते हो यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है और एंटर करना है और ऊपर से एक आपको ऐसे ब्रेसेस लगा देना है। ठीक है और ऐसे करके आपको ऐसे सेम आपको यहाँ से एंटर करना है और आपको बंद कर देना है इस वाले को। और यहाँ पर आपको क्या कर देना है, उसका नाम लिख देना है। जैसे यहाँ पर देख रहा हो लेबल का है क्यू लेबल, तो क्यू ओके लेबल। ठीक है इसे कर देना है अप्लाई और फिर ओके। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है इसके अंदर इमेज जो है एकदम फिट हो गई है, लेकिन एकदम रिपीट हो रही है। ठीक है बार बार तो हम जाएंगे नीचे। वैसे आप जो है मैं आपको एक चीज़ बताना थोड़ी भूल गया, आप इसको पिक्स मैप से भी लगा सकते हो और बेटर होगा आप पिक्स मैप ही यूज़ करो। ठीक है तो आप यहाँ जाइए लिंक में जाइए और इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर लीजिए। ठीक है और इसका दोबारा हम चेंज स्टाइल शीट पर जाएंगे और यहाँ पर जो है सब हम डिलीट कर देते हैं अभी। ठीक है अब देखिए पिक्स मैप लगाने के बाद जो है अब बिल्कुल रिपीट नहीं होगा ये। ठीक है ये आ गया। अब जो है हमें क्या करना है, इसे स्केल्ड कंटेंट पे आपको चेक कर देना है। ठीक है यहाँ पर आप देखो चेक कर दिया मैंने, अब इसे आपको क्या करना है ऐसे फैला लेना है। ठीक है
तो अब से आपको एकदम जो इसका एज है, विंडो का एज जो है बहुत बारीकी वाला काम है थोड़ा, ठीक है। आपको जितनी अच्छी आप जीआई बना सकते हो आपको तो वही करना है ट्राई, और इसको यहाँ पर ऐसे लगा देना है, ठीक है, लग गया। अब इसे आप क्या कर सकते हो, और ज़्यादा स्ट्रेच भी कर सकते हो, ठीक है। तो इतना मैं रख लेता हूँ इसे, ठीक है। तो देखिए अच्छे से हमारा जो है स्ट्रेच हो गया, हमारी विंडो बन चुकी है, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला जो है स्टेप हमारा पूरा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, आपको इसमें कुछ एलिमेंट्स हमको ऐड करने होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें और लेवल्स डालेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको कुछ लेवल्स डाल के दिखाता हूँ। पहला लेवल ये हो गया, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। और इस लेवल को जो है मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ पर जाके आप इसको जो है इस ऑब्जेक्ट को नाम दे दीजिए, जैसे ठीक है लेवल 1 दे देते हैं इसे, ठीक है वो ये, ठीक है लेवल 1। और इस पर जाइए और फिर दोबारा से हम कहाँ पर जाएंगे, सेट पिक्स मैप पे, और इस पर भी एक पिक्स हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो लिब में जाएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे और दोबारा से एक फाइल और जोड़ेंगे इसमें हम, ठीक है। तो इसमें हम जोड़ेंगे कौन सी वाली, ये बार वाली, ठीक है। ओपन कर लेते हैं इसे, ओके कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा बार, और इसको हम कर देंगे स्केल कंटेंट, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पहला विडगेट, ये हमारी जीयूआई की स्टार्टिंग हो गई है, ठीक है। तो एक यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, और Ctrl+C और Ctrl+V दबा के आप इसे दोबारा से यहाँ पर एक और ला सकते हो ऐसे, ठीक है। Ctrl+V करके एक और ले आई है यहाँ पर, ठीक है। तो देख सकते हो आप कितनी बढ़िया जीयूआई आपकी अभी तक जो है यहाँ पर बढ़िया से बन चुकी है। फिर आपको क्या करना है, आपको जो है आपको एक और लेबल लाना है यहाँ पर से, ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। और फिर दोबारा से आपको क्या करना है, इसके पिक्स मैप कंटेंट पे जाना है और यहाँ पर आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, ठीक है। ब्राउज पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, एडिट पर क्लिक करना है, और यहीं पर आपको जो है डाल देना है, क्या एक नई फाइल डाल देनी है आपको, जैसे दिखाता हूँ मैं कोई जीयूआई, मतलब सॉरी जिफ कोई, आपको जैसे कोई मैं एक जिफ दिखाता हूँ आपको, ठीक है। कोई बढ़िया सी जिफ, जैसे मैं आपको बताऊं तो ये वाली, ठीक है पहली वाली, उसे ओपन कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं, और इस जिफ को हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसको स्केल कंटेंट पे क्लिक कर देते हैं, और उसको फिर हम ड्रैग करेंगे ऐसे, उसको हम स्केल करेंगे, और ऐसे स्केल करते जाएंगे जब तक हमको अपना मनपसंद वाला जो है जारविस यूजर इंटरफेस ना मिल जाए, ठीक है। तो ये तो भैया ऐसे हो गया, ठीक है। अब बहुत लोग को समझ में आने लग गया होगा कि मैं आगे क्या बताऊँ कोडिंग में। अगर कुछ लोग कोडिंग कर सकते हैं तो ट्राई कीजिएगा कि आप मेरे ट्यूटोरियल आने से पहले ही आप इसको कोड कर लो, ठीक है। अभी तो फिलहाल केवल ये फ्रंट एंड बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब और क्या कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ, आप और क्या कर सकते हो, जैसे दोबारा मतलब सारा काम आपको लेवल से ही करना है, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है, इसमें कुछ और कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है। इसी के ऊपर एक और लेवल ले आइए, ठीक है, और इस पर राइट क्लिक कीजिए और चेंज प्लेन, सॉरी राइट क्लिक कीजिए, चेंज रिच टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, ठीक है। इसको सेलेक्ट कीजिए, साइज़ थोड़ा बड़ा बड़ा सा कर लीजिए इसका थोड़ी, और कलर को आप क्या कर लीजिए, वाइट, या फिर आपको जो अच्छा लगता है आपको वो कर लीजिए, इसको सेंटर पे कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, अब इसको आप प्रोग्राम से टेक्स्ट को बार बार सेट कर सकते हो, वो तो आपको आता भी होगा, नहीं भी आता होगा तो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो मैं सोचना मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, ऐसे करके आप यहाँ पर जो है चेंज रिट टेक्स्ट पर जाइए, उसको डेट सा भी कर सकते हो, जैसे आप क्या कर सकते हो 23 OCT, यहाँ पर ऑफ कर दो 2020, ठीक है, ओके कर लीजिए इसे, ओके। तो ये देखिए ऐसे आपको यहाँ पर डेट भी दिख जाएगी, ऐसे आपको इसको आप और अच्छे तरीके से बना सकते हो। अभी मैं आपको बताऊँगा, अभी एक चीज़ और, जैसे आप क्या कर सकते हो, पहले एक लेबल लीजिए, ठीक है। जैसे मैं एक लेबल लेता हूँ, यहाँ पर रख दिया, इसका चेंज रिट टेक्स्ट कीजिए और उसको कर लीजिए क्या 23 कीजिए, केवल साइज़ कर लीजिए, मैं कहूँगा इसको सिर्फ पूरा सेलेक्ट कीजिए, पहले साइज़ कर लीजिए इसका थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिए, सॉरी, ठीक है 23 इतना बड़ा हो गया है, सेंटर कर लीजिए और इसको कर लीजिए ऐसे, और उसका फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको अभी ओके कर लेते हैं, ठीक है, और इसको आप इसे बड़ा कर सकते हो, सॉरी चेंज रिट टेक्स्ट में सकता है, मतलब इसको कलर ब्लैक ही रह गया, इसको वाइट कर लेते हैं, ओके कर लिया। अब आप क्या कर सकते हो, एक आप दूसरा लेबल लीजिए, उसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, मतलब इसको थोड़ी या तो छोटा कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, चेंज रिच टेक्स्ट यहाँ पर कम कर देते हैं, ठीक है, और साइज़ को थोड़ा कर लीजिए बड़ा,
और बड़ा कर लेते हैं इसे, और इसको लेते हैं वाइट, सेंटर कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब आपका जो है टेक्स्ट बहुत बड़ा हो गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको, ये देखिए ऐसा आप इसको मतलब थोड़ा सा आप इसको फैंसी टाइप का बना सकते हो, जैसे 23 ऊपर दिखेगा, अक्टूबर नीचे दिखेगा, ठीक है। फिर आप एक और लेवल बना सकते हो, जैसे यहाँ पर आप इसे डाल दीजिए चेंज दिस टेक्स्ट, और यहाँ पे आप डाल सकते हो 2020, ठीक है। और इसे आप थोड़ा सा जो है बड़ा बना लीजिए, ज़्यादा ही हो गया था इससे, 24 में कर लेते हैं इसे, और बोल्ड कर लेते हैं और इसे वाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये है जो है ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। 23 अक्टूबर 2020, आप जैसे इसको आप स्टाइल में आप लगाना चाहते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी इन सबको डिलीट कर लेता हूँ, अभी मेरे को इनकी ज़रूरत तो नहीं है, अभी मैं केवल यहाँ पे दिखाऊंगा डेट। और आप इसमें और भी एलिमेंट्स आप ऐसे करके आप यहाँ पे से और ऐड कर सकते हो, आप और एलिमेंट डाउनलोड कीजिए, उन्हें यहाँ पे आप इसको चिपकाते जाइए यहाँ पर लगातार। फिर उसके बाद आपको मैं अगली वीडियो बताऊंगा कि इन सबको आप प्रोग्राम कैसे करोगे, ठीक है। अभी तो मेरे को फिलहाल इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनको लगा लेते हैं ताकि बाद में आपको जरूरत पड़े। सिंपली फिर से आप इसको कर लीजिए, सेव कर लीजिए, ठीक है। सेव आप वहीं कर लीजिए जहाँ आप अपनी जूआई बना रहे हो। इसको हम देते हैं नाम साईफाई, ठीक है, और सेव कर लीजिए, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए आपको कैसे डिज़ाइन करना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे आप कैसे डिज़ाइन करते हो, ये आपकी मर्जी है। आप इसे और अच्छा बना सकते हो, और अच्छे अच्छे एलिमेंट्स आप डाउनलोड कीजिए, खुद डिज़ाइन कीजिए। अगर आप डिज़ाइनर हैं तो फोटोशॉप से आप और अच्छा डिज़ाइन भी कर सकते हो। नहीं है आता है आपको डिज़ाइन करना, तो आपको कुछ ऑनलाइन टूल, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उनको अच्छे से डिज़ाइन कीजिए। कोई बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं चाहिए उसमें, सिंपल सा है, आप उसे डिज़ाइन कीजिए। आप फ़ोन में भी डिज़ाइन कर सकते हैं यहाँ तक कि, तो मैं कहूँ तो, और डिज़ाइन करके आप अपने पीसी में डाल लीजिए और यहाँ पर ऐसे लगा लो, ठीक है। बस हमको चाहिए क्या, हमको तो बैकग्राउंड से हमको कोई मतलब नहीं है, हमें किसके ऊपर जो डेटा दिखेगा हमको वो इंपॉर्टेंट चाहिए, ठीक है। अब मैं भी आपको और चीज़ें भी बताता, लेकिन वो मैं आपको पहले आपको मेन चीज़ आपको पता चल जाए, बाकी चीज़ें मैं आपको बताते रहूँगा। फिर इसके भी बाद में प्लगइन बनाऊंगा मैं, जैसे क्या क्या बनाऊंगा, आप नासा से एक एक फ़ोटो आप यहाँ पर कैसे लगा सकते हो, ठीक है। आप जो है यहाँ पर अचानक चेंज होने वाला कैसे बनाओगे, जैसे आप बोलोगे तो अपना भी यहाँ पर कोई एक लोडिंग सा दिखाए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें प्लगइन में इसके बनाऊंगा। जैसे मैंने जारविस के बनाए थे पिछली वीडियोज़ में, वैसे हम इसमें भी बनाएंगे। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर, और तब तक आप ऐसे ही सीखते रहिए और बनाते रहिए इसे, और अच्छा सा अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर बन जाए तो इंस्टाग्राम पे मुझे टैग ज़रूर करना, ठीक है, पोस्ट करके। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय, और कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। Subscribe Logical Spot and press the bell icon for latest video updates.